हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सिटी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज स्टार्ट करेंगे हम आरसीसी डिजाइन में जो छोटा हुआ चैप्टर बच गया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर सीयर। देखिए आरसीसी डिजाइन में या फिर कोई भी स्ट्रक्चर का अगर हम डिजाइन कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में, तो हम लोग लिमिट स्टेट मेथड से ज़्यादातर स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि लिमिट स्टेट मेथड में दोनों स्ट्रेंथ और सर्विसेबिलिटी दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के स्ट्रक्चर को डिजाइन होता है। तो आपको हम पहले ही चैप्टर में बताए थे कि लिमिट स्टेट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और दूसरा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। पहला जो है वो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और दूसरा जो है वो सर्विसेबिलिटी के अंदर में रखा गया। तो कोलैप्स के अंदर में और सर्विसेबिलिटी के अंदर में ऐसा इसलिए क्यों किया गया है, क्योंकि कोलैप्स के अंदर में स्ट्रक्चर के स्ट्रेंथ पे फोकस होता है और सर्विसेबिलिटी में स्ट्रक्चर के सर्विस कंडीशन पे फोकस किया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और सर्विसेबिलिटी के अंदर में कोलैप्स के अंदर में स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं और सर्विसेबिलिटी के अंदर में सर्विस कंडीशन पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो कोलैप्स के अंदर में स्ट्रक्चर के फ्लेक्सर पे फोकस करते हैं, मतलब बेंड हो रहा है कि नहीं, सीयर, टॉर्सन, कंप्रेशन, बॉन्ड, टेंशन, और सर्विसेबिलिटी में क्रैक, डिफ्लेक्शन, श्रिंकेज। ठीक है, तो देखिए कोई भी स्ट्रक्चर को आपको डिजाइन करना है तो सबसे पहले उस स्ट्रक्चर के वीकनेस के बारे में पता करिए, फेलुअर कंडीशन के बारे में पता किए कि वह स्ट्रक्चर कैसे कैसे फेल हो सकता है, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, उस फेलुअर को बचाने के लिए क्या क्या उपाय करना होगा, ये चीज़ हमको देखना होगा। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर में फ्लेक्सर मतलब बेंडिंग होता है, तो बेंडिंग पे सबसे पहले हम फोकस करेंगे। जो चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर फ्लेक्सर हम पढ़ा चुके हैं, मतलब अगर स्ट्रक्चर बेंड हो रहा है तो उसको कैसे बचाया जाए, उसमें कितना रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड किया जाए, उसको कैसे हम लोग डिजाइन करें ताकि स्ट्रक्चर मेरा बच जाए, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं लिमिट स्ट्रक्चर ऑफ कोलैप्स फॉर फ्लेक्सर। अभी हम सीयर बता रहे हैं, अभी आपको हम सीयर बता रहे हैं, मतलब अगर सीयर हो रहा है मतलब स्लाइडिंग एक्शन हो रहा है स्ट्रक्चर के अंदर में, तो कैसे हम उसको रिमूव करेंगे, कितना रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, कितना छड़ देंगे, किस पोजीशन पे देंगे, कैसे देंगे ताकि वो मेरा जो स्ट्रक्चर है वो फेल ना हो, मजबूत बना रहा है, मतलब स्ट्रेंथ पे फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। इसलिए इस चैप्टर का नाम है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर सीयर। किसी किसी को ये कन्फ्यूजन होता है कि ये ऐसे क्यों लिखते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर सीयर, इसका क्या मतलब है। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर सीयर इसका ये मतलब है कि लिमिट स्टेट में स्ट्रक्चर के लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जो स्ट्रक्चर के स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कशन करता है वो किस में स्ट्रेंथ देगा, वो सीयर में देगा, मतलब अगर स्लाइडिंग एक्शन के कारण स्ट्रक्चर फेल हो रहा है तो उसको कैसे मजबूत किया जाए। तो सीयर कैसे मजबूत होता है, स्टिरअप्स प्रोवाइड करते हैं, आपने देखा होगा रीइन्फोर्समेंट में स्टिरअप्स मतलब रिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण जो सीयर होता है वो हट जाता है, वो सीयर को रेजिस्ट करता है, तो वही आज हम डिस्कशन करते हैं। तो सीयर भी अनेक टाइप का होता है, सीयर कैसे प्रोड्यूस होता है ये पहले देखेंगे कि सीयर कैसे प्रोड्यूस होता है स्ट्रक्चर के अंदर में। तो सीयर कैसे प्रोड्यूस होता है, सीयर जो है, अब ऐसा तो नहीं है कि हम स्ट्रक्चर में डायरेक्ट जाएंगे और डायरेक्ट सीयर लगाएंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी स्ट्रक्चर के ऊपर में अगर ये बीम है तो बीम के ऊपर में जैसे ही वर्टिकल फोर्स अप्लाई होता है तो क्या होता है, स्लाइडिंग एक्शन होता है, तो उस स्लाइडिंग एक्शन के कारण बीम के अंदर में स्ट्रेस जनरेट होता है, उसी को क्या बोलते हैं, सीयर स्ट्रेस बोलते हैं। तो सीयर स्ट्रेस दो तरह से प्रोड्यूस होता है, एक तो डायरेक्टली प्रोड्यूस होता है अगर वर्टिकल लोड अप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट सीयर, और एक होता है टॉर्सन के कारण, टॉर्सनल मूवमेंट के कारण जो स्ट्रेस जनरेट होता है, सीयर जनरेट होता है, उसको बोलते हैं सीयर। जैसे टॉर्सनल मूवमेंट क्या हुआ, इस तरह से अगर ट्विस्ट करेंगे घुमाएंगे, जैसे आपने कपड़ा धो के अगर उसको गाड़ते हो तो उस तरह से उसमें क्या होता है, टॉर्सनल सीयर स्ट्रेस जनरेट होता है। तो हम इस चैप्टर में सिर्फ डायरेक्ट सीयर का बात करेंगे, टॉर्सनल सीयर स्ट्रेस उसके लिए अलग टॉर्सन का चैप्टर है, वहाँ पे डिस्कशन होगा, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट सीयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ाया गया होगा कि सीयर कैसे निकालते हैं, सीयर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, VAY बार I इंटू बी, जहाँ पे भी डायरेक्ट सीयर फोर्स है,
ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, वाई बार जो है वो सेंट्रोइडल एक्सिस से जो आप सेक्शन सेलेक्ट किए हो उसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और बी जो है वो विड्थ ऑफ द बीम है जिससे हम लोग शियर स्ट्रेस फाइंड करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपको पता चल गया शियर स्ट्रेस। ठीक है, बहुत गर्मी लग रहा है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस पता चल गया कि दो तरह से डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, एक तो आपका कंक्रीट के बीम के ऊपर में डायरेक्टली वर्टिकल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो स्लाइडिंग एक्शन का जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट शियर। और जो शियर होता है वो दो तरह से प्रोड्यूस हो सकता है, डायरेक्ट शियर से और टॉर्सनल मूवमेंट से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे मिटा दे रहा है, इसका डेरिवेशन भी है लेकिन अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रखो टाउ इक्वल्स टू वी ए वाई बार आई इन टू बी। अब कुछ सेक्शन है जिसका हम शियर स्ट्रेस आपको बना के दिखाएंगे, कुछ सेक्शन है जैसे आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये कोई एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, डायग्राम दे देगा आपको, मैच द फ्लोइंग करना होगा। तो ये आपका रेक्टेंगुलर बीम है। ठीक है, रेक्टेंगुलर बीम का आपको अगर शियर स्ट्रेस जनरेट डिस्ट्रीब्यूट करना है, शियर स्ट्रेस डायग्राम बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हो, न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम होता है, न्यूट्रल एक्सिस पे जो मेरा शियर स्ट्रेस होता है वो मैक्सिमम होता है न्यूट्रल एक्सिस पे। ठीक है, ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर बीम का। ठीक है, अब आप इसका भी देख सकते हो, ये नीचे में रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिए, तो ये हो गया सिंगली रिइंफोर्स बीम। सिंगली रिइंफोर्स बीम का क्या हो जाएगा आपको, सिंगली रिइंफोर्स बीम का न्यूट्रल एक्सिस में मैक्सिमम होगा और इसके नीचे पूरा इस तरह से होगा, ये आपका हो गया सिंगली रिइंफोर्स बीम का, ये जो है वो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ये भी शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है। उसी तरह आपको डबली रिइंफोर्स बीम का अगर करना होगा, ये हो गया आपका डबली रिइंफोर्स बीम का शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में, ये इस फॉर्मूला से निकलता है टाई इक्वल्स टू बी ए वाई बार आई इन टू बी, ये न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम होता है, यहाँ पे जीरो होगा क्योंकि विड्थ नहीं है वहाँ। तो ये हो गया इसके बाद टी बीम का, न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम होगा, ये यहाँ पे कर्व होगा इसके बाद रेक्टेंगल हो जाएगा, ये आपका हो गया टी बीम में। आई बीम का ये हल्का कर्व होगा यहाँ पे, इसके बाद रेक्टेंगल हो जाएगा।
तो आपका ये हो गया शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम रेक्टेंगुलर का। ये सिंगली रिइंफोर्स बीम रिइंफोर्समेंट एक साइड में प्रोवाइड किए, ये डबली रिइंफोर्स बीम, ये टी बीम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करके, ये आई बीम, ये सबका आपको शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक है इसमें शियर स्पैन। धीरे धीरे टॉपिक को हम बिल्डअप कर रहे हैं, धीरे धीरे ये जो चैप्टर है उसको आगे की ओर ले जा रहे हैं। शियर स्पैन, शियर स्पैन, ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है।